शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में 5 दिवसीय गोरखपुर खेल महोत्सव के दूसरे दिन टेबल टेनिस, बैडमिंटन, खो खो प्रतियोगिता का आयोजन रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने खो खो, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में अपने अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के सचिव आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि यह खेल महोत्सव शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में आयोजित हुआ है, जिसमें 8 खेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी सहित अन्य खेल शामिल हैं, जिसमें 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर शुभम मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय कुश्ती संघ के प्रदेश सचिव आदित्य प्रताप सिंह ने कहा, नहीं खेलता तो टक्कर नहीं होता। हम लोगों में सही 12 प्लेयर हैं। ड्राई है सतत। आप कर देते यार। आदित्य प्रताप सिंह, ये शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में गोरखपुर खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 8 खेल हो रहे हैं, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी। टोटल लगभग 900 खिलाड़ी आठों खेल मिला करके भाग लिए हुए हैं। आज के खेल में कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? आज वॉलीबॉल छोड़ के आज सारे खेल हो रहे हैं, जिसमें बैडमिंटन और टेबल टेनिस और खो खो का आज फाइनल हो जाएगा।